सब्सक्राइब कीजिए रिव्यू सपोर्ट यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि इस चैनल पर प्रेगनेंसी और उससे जुड़ी जैसे ही वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन आप तक। इस प्रेगनेंसी वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ प्रेगनेंसी के छठे महीने के बारे में। आज के इस वीडियो में आप जानिएगा प्रेगनेंसी के छठे महीने के कुछ महत्वपूर्ण लक्षण, इसके साथ ही प्रेगनेंसी के छठे महीने में आपके शरीर में कौन कौन से बदलाव आते हैं और आपको कौन कौन सी दिक्कतें आ सकती है प्रेगनेंसी के छठे महीने में, और प्रेगनेंसी के छठे महीने में आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। इसके साथ ही प्रेगनेंसी के छठे महीने में आपके गर्भ में पल रहे शिशु का विकास कितना हो चुका होता है, इन सारी बातों की विस्तार में जानकारी आपको वीडियो में आगे बताया गया है, तो वीडियो को आप पूरी जरूर देखें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं प्रेगनेंसी के छठे महीने के कुछ महत्वपूर्ण लक्षण के बारे में। तो पहली लक्षण है सूजन होना। आपको मैं बता दूं, जैसे ही आप प्रेगनेंसी के छठे महीने में प्रवेश करती है उसी समय से आपको अपने पैर, हाथ और शरीर के अन्य अंगों में सूजन आनी शुरू हो जाती है। आपको मैं बता दूं, इसको एडिमा भी कह सकते हैं आप और कहा जाता है। आपको मैं बता दूं, अगर आपको सूजन हो गया है तो इसका मतलब यह है कि आपके शरीर में पर्याप्त पोषण नहीं है, तो आप अपने पोषण पर ध्यान दें और हेल्दी डाइट का सेवन जरूर करें। दूसरी लक्षण, आपके भूख का बढ़ जाना। प्रेगनेंसी के छठे महीने में आपके शरीर में काफ़ी ज़्यादा पोषक तत्वों की कमी हो जाती है जिसकी वजह से आपको भूख ज़्यादा लगती है। तीसरी लक्षण, आपको पीठ दर्द की समस्या उत्पन्न हो जाना। प्रेगनेंसी के छठे महीने में आपके गर्भ में पल रहे शिशु का पूरा भार आपकी पीठ पर पड़ता है जिसकी वजह से आपको पीठ दर्द हो सकता है, तो ये भी एक प्रेगनेंसी के छठे महीने के महत्वपूर्ण लक्षण है। चौथी लक्षण, आपको पेट से जुड़ी समस्या उत्पन्न होना। प्रेगनेंसी के छठे महीने में आपको कब्ज होना तो नॉर्मल बात होता है, लेकिन इसके साथ ही कब्ज, एसिडिटी भी आपको परेशान कर सकती है, ये भी एक प्रेगनेंसी के छठे महीने के लक्षण है। वीडियो में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे प्रेगनेंसी के छठे महीने में आपके गर्भ में पल रहे शिशु का विकास कितना हो चुका होता है। तो प्रेगनेंसी के छठे महीने में आपके गर्भ में पल रहे शिशु का विकास लगभग काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका होता है। आपको मैं बता दूं, प्रेगनेंसी के छठे महीने में आपके गर्भ में पल रहे शिशु की लंबाई 12 इंच हो चुकी होती है। इसके अलावा आपके गर्भ में पल रहे शिशु का वजन 1 किलो से थोड़ा कम यानी 900 ग्राम होता है प्रेगनेंसी के छठे महीने में। अगर आप प्रेगनेंसी के छठे महीने में अल्ट्रासाउंड करवाती है तो अल्ट्रासाउंड में आप देखती है कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु अपना अंगूठा चूस रहा है। इसके अलावा बात करें अगली डेवलपमेंट की, तो प्रेगनेंसी के छठे महीने में आपके गर्भ में पल रहे शिशु की ब्लड सेल्स डेवलप हो चुकी होती है और ब्लड सर्कुलेशन भी जारी होता है आपके गर्भ में पल रहे शिशु का। वीडियो में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे प्रेगनेंसी के छठे महीने में गर्भवती महिलाओं को क्या क्या खाना चाहिए। तो आपको मैं बता दूं, आप विटामिन सी युक्त आहार का सेवन जरूर करें, जैसे आप संतरा जैसी चीज़ों का सेवन जरूर करें क्योंकि संतरे में भरपूर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। इसके अलावा आप ब्रोकली, दूध, खजूर, टमाटर जैसी चीज़ों का सेवन कर सकती है, इसमें भी विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होता है जो आपके गर्भ में पल रहे शिशु के विकास में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। दूसरी चीज़ है, प्रेगनेंसी के छठे महीने में आपको रेशे वाले खाद्य पदार्थ जरूर खाने चाहिए। आपको मैं बता दूं, फाइबर युक्त आहार का सेवन करना बेहद जरूरी होता है क्योंकि इस छठे महीने में आपको कब्ज, एसिडिटी और पेट से जुड़ी अन्य समस्याएं सताती है, इसलिए आप फाइबर युक्त आहार का सेवन करके पेट से जुड़ी समस्याओं से राहत पा सकते हैं। तीसरी चीज़, आप वैसे चीज़ों को खाएं जिसमें आयरन भरपूर मात्रा में हो क्योंकि प्रेगनेंसी के छठे महीने में आपके गर्भ में पल रहे शिशु का डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से हो रहा होता है जिस वजह से आपके शरीर में आयरन की कमी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, तो आप आयरन युक्त आहार का सेवन कर सकती है या आप आयरन के सप्लीमेंट भी ले सकती है, यह भी आपके लिए सही रहेगा। लेकिन आप एक बार डॉक्टर से सलाह जरूर लें अगर आप आयरन के सप्लीमेंट लेती है तो, क्योंकि डॉक्टर आपके शरीर में RBC का लेवल चेक करके आपको बताएंगे कि आपके शरीर में कितना आयरन की ज़रूरत है। वीडियो में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे प्रेगनेंसी के छठे महीने में गर्भवती महिलाओं को क्या क्या नहीं खाना चाहिए। तो प्रेगनेंसी के छठे महीने में गर्भवती महिला फास्ट फूड खाने से बचे क्योंकि फास्ट फूड में
अच्छी क्वालिटी का तेल या अच्छे मसाले नहीं यूज किए होते हैं जो प्रेगनेंसी के छठे महीने में आपके लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। दूसरी चीज़ है, आप हाई मर्क्यूरी फिश का सेवन बिल्कुल भी ना करें। आपको मैं बता दूं, प्रेगनेंसी के छठे महीने में अगर आप हाई मर्क्यूरी फिश का सेवन करती है तो इससे आपके भ्रूण के डेवलपमेंट पर काफ़ी ज़्यादा निगेटिव इफेक्ट पड़ता है। तीसरी चीज़, आप अनपॉस्चराइज दूध या सॉफ्ट चीज़ बिल्कुल भी ना खाएं प्रेगनेंसी के छठे महीने में, क्योंकि अगर आप ये दो चीज़ खाती है तो यह आपके शरीर में काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। इसके अलावा आपके गर्भ में पल रहे शिशु के डेवलपमेंट में भी काफ़ी ज़्यादा रुकावट उत्पन्न करते हैं। तो आप इन तीन चीज़ों को सेवन प्रेगनेंसी के छठे महीने में बिल्कुल भी ना करें। वीडियो में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे प्रेगनेंसी के छठे महीने में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो पहली टिप्स है, प्रेगनेंसी के छठे महीने में आप एक्सरसाइज नियमित रूप से करें ताकि आपका बॉडी का फिटनेस बरकरार रहे और गर्भ में पल रहे शिशु का डेवलपमेंट भी अच्छे तरीके से होता रहे। दूसरी टिप्स है, आप अपने बॉडी पार्ट्स पर गर्म पानी डालें जहां आपको सूजन महसूस हो रहा है। अगर आप ऐसा करती है तो इससे आपको सूजन से राहत दिलाने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलता है। तीसरी टिप्स, आप प्रेगनेंसी के छठे महीने में तनाव बिल्कुल भी न लें, क्योंकि प्रेगनेंसी के छठे महीने में अगर आप तनाव लेती है तो तनाव लेना प्रेगनेंसी के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होता है। इससे आपके गर्भ में पल रहे शिशु पर भी इनडायरेक्टली इफेक्ट पड़ता है और आपका गर्भ में पल रहा शिशु भी तनाव में जा सकता है, जो आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं होता है। तो आप प्रेगनेंसी के छठे महीने में तनाव बिल्कुल भी न लें। तीसरी टिप्स, आपके शरीर में दर्द होने पर आप मालिश जरूर कराएं। प्रेगनेंसी के छठे महीने में या जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी बढ़ती जाती है उस समय आपके शरीर में दर्द होने शुरू हो जाते हैं, ऐसे में आप मालिश करा लें, यह आपके लिए बेहतर टिप्स रहेगा। चौथी टिप्स, आपको प्रेगनेंसी के छठे महीने में अपने हाथ या पाँव में झनझनाहट महसूस हो सकती है। आपको मैं बता दूँ, यह इसलिए होता है क्योंकि आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है प्रेगनेंसी के छठे महीने में, जिसकी वजह से आपको अपने शरीर के कई जगहों पर झनझनाहट महसूस हो सकता है। ऐसे में आप आराम करें, यह आपके लिए बेहतर रहेगा। छठी टिप्स, आपको प्रेगनेंसी के छठे महीने में थोड़ी कम नींद आ सकती है, लेकिन आप इस बात का ध्यान रखें कि प्रेगनेंसी के छठे महीने में आप आराम जरूर करें। कम नींद इसलिए आती है क्योंकि प्रेगनेंसी के छठे महीने में आपको शरीर में दर्द, पेशाब बार बार जाना जैसी कई सारी दिक्कतें आती है, जिसकी वजह से आपको कम नींद आती है प्रेगनेंसी के छठे महीने में। लेकिन आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें, आप नियमित रूप से आराम करें। रात को हमेशा 10 बजे से पहले ठंडी के मौसम में जरूर सोएं, यह आपके लिए बेहतर रहेगा। वीडियो में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे प्रेगनेंसी के छठे महीने में आप कौन कौन से टेस्ट करवा सकती है। तो आपको बता दूं, प्रेगनेंसी के छठे महीने में अगर आप अपने गर्भ में पल रहे शिशु का डेवलपमेंट देखना चाहते हैं तो आप अल्ट्रासाउंड करा सकती है। दूसरी टेस्ट, अगर आपको अपने बीपी की जांच करवानी है तो बीपी की भी जांच आप प्रेगनेंसी के छठे महीने में जरूर करवाएं। तीसरी टेस्ट, आप अपने शरीर की ब्लड प्रेशर टेस्ट भी इस प्रेगनेंसी के छठे महीने में एक बार डॉक्टर की सलाह से जरूर करवाएं। तो आप इन तीन टेस्टों को प्रेगनेंसी के छठे महीने में जरूर कराएं। तो यही सब थी प्रेगनेंसी के छठे महीने से जुड़ी कुछ इन्फॉर्मेटिव जानकारी जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। तो अगर आपको वीडियो से जुड़ा कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं। आप आज के इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।